वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में, और आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी डीवीडी प्लेयर में नो डिस्क की प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से घर पर किस तरीके से ठीक किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम पावर सप्लाई को चेक करते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक सॉकेट दिया हुआ है 6 पिन का, जहाँ से वोल्टेज पावर सप्लाई से मदरबोर्ड में जा रही है। इसके अंदर पहली दूसरी पिन पर 5-5 वोल्टेज हमको मिलेंगी, दूसरी और तीसरी और चौथी पिन पर ग्राउंड है तो वहाँ पर 0 वोल्टेज हमको मिलेगी, और पाँचवीं और छठी पिन पर +12 और -12 वोल्टेज मिलेंगी। अगर यह सभी वोल्टेज इसी क्रम में हमें सही मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है। इसके बाद हम इसकी रैम पर वोल्टेज को चेक करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि रैम की पिन नंबर 1 पर वोल्टेज को चेक करना। अगर उसकी पिन नंबर 1 पर वोल्टेज 3.1, 3.2 या फिर 3.3 वोल्टेज के करीब आ रही है तो यह कहेंगे कि आईसी ठीक है और नीचे का इतना सर्किट बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। यह देखिए, यह यहाँ पर रैम आईसी लगी हुई है और इसकी पहली पिन यह है जिस पे मैंने अभी अपनी रेड पिन मल्टीमीटर की लगाई थी। अब एक बार मैं और सही तरीके से आपको इसकी वोल्टेज मेजर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, वोल्टेज 3.1 के करीब आ रही है, इसका मतलब नीचे की असेंबली हमारी बिल्कुल ठीक है। अब हम लेंस के ऊपर वोल्टेज को चेक करेंगे, क्या लेंस के ऊपर वोल्टेज जितनी जानी चाहिए उतनी जा रही है या नहीं जा रही है। फ्रेंड, मदरबोर्ड से एक कनेक्टर लगा हुआ है जो कि मदरबोर्ड को जोड़ता है लेंस असेंबली से। यहाँ से डिफरेंट टाइप की वोल्टेज लेंस असेंबली पर जाती हैं, तो इन वोल्टेज को चेक करके हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या वोल्टेज सही तरीके से लेंस असेंबली में जा रही है या नहीं जा रही है। इसके अंदर पिन नंबर 2 पर मैंने वोल्टेज को मेजर किया और वहाँ पर वोल्टेज मुझे थोड़ी कम लग रही है, वह वोल्टेज 5 वोल्टेज होनी चाहिए, और चेक करने पर लग रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। अब इस वोल्टेज को हम पीछे की तरफ से फॉलो करते हुए चलेंगे और हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किस सेक्शन में आ रही है। तो अगर इसको पीछे की तरफ आ जाए तो देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे 2 असेंबली रजिस्टर लगे हुए हैं और इसकी वैल्यू 2.2 ओम है, जो कि काफ़ी कम है, वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेंगे। और ये देखिए, 2.5 वोल्टेज आ रही है और इसके इनपुट में 5 वोल्टेज आ रही है, मतलब यह आधी वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है रजिस्टर। तो हो सकता है हमारा यह रजिस्टर ख़राब हो गया है, तो हम इसको बाहर निकालते हैं और फिर इस रजिस्टर को चेंज करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, सभी कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।